सेक्सनमा पढिबा एप्लिकेशन अफ बायोटेक्नोलोजी इन हेल्थ एन्ड एग्रिकल्चर प्रथमे पढिबा एग्रिकल्चर रे आमे कोन आमे बेनिफिट पाइछन एप्लिकेशन केमिति करै छी हला ट्रांसजेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस रे विभिन्न प्रकार ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोडक्शन करै जाउथि द फॉरेन जीन्स आर बीइंग ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अफ हॉस्ट सेल आमे जोहार बॉडी रे नेकी आमे फॉरेन जीन टा को इंट्रोड्यूस करथिबा तार ताको कहजबा हॉस्ट सेल हला सच जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ट्रांसजेनेसिस हला दिस ऑर्गेनिजम्स मे बी प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रथम एग्रीकल्चर गोटे एग्जाम्पल आसो बिट्टी क्रॉप कौन Soil bacterium Bacillus thuringiensis produce some protein that kills certain insects like tobacco budworm, army worm, beetles, flies, mosquitoes, etc. Amaro matti re gota bacteria rahe se bacteria ra name hochi Bacillus thuringiensis hala se Bacillus thuringiensis ta body re gota protein tyari kari thae ba protein production kari thae se jo bacteria ta ko jodi konosi pokoi jo army worm ba tobacco budworm jo gacha patra kati ki nashta kar diyanti mosquito flies जदि से बैक्टीरिया को बाय चांस डीडी दबो बा इंजेस्ट कर दबो ताहले से जाई के ताको डिस्ट्रॉय कर दिथे ए जो बैसिलस थुरिंजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ ए बैसिलस थुरिंजेनेसिस तार बॉडी रे ए जो गोटे पर्टिकुलर फेज ग्रोथ फेज रे ए जो प्रोटीन ताको तैयारी करके रखी थाए द क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ए प्रोटीन ता जो गोटे टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए बीटी टॉक्स देखो ए जो जिंसडा जानिलो जे बैक्टीरिया रे प्रोड्यूस होउछि गोटे प्रोटीन बैसिलस थुरिंजेनेसिस बैक्टीरिया रे बॉडी रे गोटे प्रोटीन प्रोडक्शन होउछि से प्रोटीन टा को जदि केही भूलले से बैक्टीरिया को खाइ देइ थाए कोनसी पोको ताले से मरि जाय थाए हला आमे एठी कोन करबा जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन टा बाय सो बाय बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस हे बीटी प्रोटीन टा को आमे कोन करबा प्रथमे बैसिलस थुरिंजेनेसिस बॉडी रे जो प्रोटीन प्रोडक्शन करूथिबा जीन ताको आमे प्रथमे आइसोलेट करके आनिबा बा अलगा करके आनिबा आनिबा परे ताको कोन करा जीवो ठीक है मु फास्ट पढ़ू छी प्रोसेस ता तापर कहि दउ छी ए जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन ता कोन हि था से जो बैसिलस थुरिंजेनेसिस बॉडी रे प्रोडक्शन हे था इनएक्टिव फॉर्म रे रही था जते बेले कोन से गोटे पोको ता को इंजेस्ट करे बा देली जाई था सेते बेले सेटा तार एक्टिव फॉर्म को चली जाई था हला जाय के ता बॉडी रे से तार मिड गट रे बा ता इंटेस्टाइन रे ता कोना कोना करके ताको डिस्ट्रॉय कर दे था से पोको हला फर्स्ट कोन गलो रहबो ए जो बीटी टॉक्सिन जीन को बैसिलस थुरिंजेनेसिस बॉडी रे ए प्रोटीन प्रोडक्शन करथवा जीन को हम अलगा करके बा आइसोलेट करके आनिबा फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेनेसिस इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन ए जो कॉटन हो बा कॉर्न हो ए मान को पोको खाइ के बेसे नष्ट करथि हम प्रथमे कोन करबो बैसिलस थुरिंजेनेसिस बॉडी रे प्रोडक्शन करथवा ए जीन को हम काढि के आनिबा काढि के ता को हम काटिबा काटि के हम जो प्लांट रे ता को भर्ती करबा घर कॉटन प्लांट रो भी जीन को हम काढिबा एटा माने से जीन छोटा मु देखो छी एथि तर कॉटन प्लांट रो जीन को जे पेपर छी एटा होछि बैसिलस थुरिंजेनेसिस रो प्रोटीन प्रोडक्शन करथवा जीन हला ताको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देले एकुठी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देले ताको कट करले लिगेज एंजाइम द्वारा ताको पुनी जोडीले जोडी के ताको नेले से प्लांट रे छाडी देले कॉटन प्लांट हो बा कॉर्न प्लांट हो सेठी नेके छाडी देले छाडी देला परे कोन हबो तार ता ओन जीन सहित एटा आउटे जीन ता बॉडी को जाईची से प्लांट रो बॉडी को तेन परे सेठी से कोन करबो से जीन अछि माने से तार प्रोटीन प्रोडक्शन करिया को लागिबो प्रोटीन जत बेले प्रोडक्शन करिया को लागिबो से कोन करबो ना ताको धीरे धीरे ता बॉडी सारा से प्रोटीन प्रोडक्शन हे कि रहिथिबो इनएक्टिव फॉर्म रे से प्लांट बॉडी रे जते बेले कोन गोटे पोको आसी के ताको खाइ के नष्ट करिया को चेष्टा करबो खाइला माने से प्रोटीन ता बॉडी भीतर को जेबो इनएक्टिव प्रोटीन ता एक्टिव प्रोटीन हे जेबो हे कि तारे मिड गट रे कोना कोना करके ताको डिस्ट्रॉय कर देबो हला द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड बीटी कॉटन एज इट कंटेन्स बीटी टॉक्सिन जीन ए जो बीटी टॉक्सिन जीन दे प्रकार रो गोटे हला क्राय 2IAB कंट्रोल बॉलवर्म कॉटन बॉलवर्म एंड क्राय IAB व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉर्न टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉर्न बोरर हला सब पोको को नष्ट कर दे तो जीन गुडा
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन को हम फर्स्ट पढ़ीबा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन मेडिसिन मेडिसिन ले के मिते बायोटेक्नोलॉजी के हम अप्लाई करू छंदी बा तार एप्लीकेशन करो होची जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन सेंती जेमिति नॉर्मल रे तमे जानिथिबा हमर पैनक्रियास रे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस प्रोडक्शन करूची हमर जेनेटिकली हमर जो इंसुलिन ना इंसुलिन रो काम होय ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करिथाय किंतु आमे कौन करछो वर्तमान जेहेतु डायबिटीज रोगी को संख्या बढ़ी चलु तेणुकर आम जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन प्रोडक्शन करुँचना आर्टिफिशियल प्रोसेस से प्रोसेस कौन स्ट्रक्चर ऑफ प्रथम जानते ह्यूमन इंसुलिन रो स्ट्रक्चर कौन ह्यूमन इंसुलिन रो स्ट्रक्चर हूँ आम एटा 51 टा एमिनो एसिड को लेकिन दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन थाए दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन 51 टा एमिनो एसिड को लेकिन या कौटा जो इंसुलिन चेन ए रे 21 एमिनो एसिड चेन बी रे होचे 30टा एमिनो एसिड थाय द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस दीटा डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा से इंटरकनेक्टेड हे कि थांती इंसुलिन रे दीटा को पॉलीपेप्टाइड चेन हैला एक्चुअली इंसुलिन गोटे प्रो इंसुलिन प्रोडक्ट रो डेवलप करि थाय से प्रो इंसुलिन टा इनएक्टिव फॉर्म में थाय प्रो इंसुलिन टा इंसुलिन को कन्वर्ट हेले इंसुलिन द्वारा काम करि थाय से प्रो इंसुलिन तो तीनटा चेन थाय चेन ए बी एंड चेन सी हला चेन सी रे सेंती कते रखा 33 एमिनो एसिड 33 टा एमिनो एसिड था ए तीनि तारु जते बेले प्रो इंसुलिन ता इंसुलिन को कन्वर्ट होय चेन सी ता कटि जाय था चेन ए आ बी को लेके इंसुलिन की रहता है हला द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज डेवलप्ड बाय सांगर ही हैज आल्सो सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट आसे हम पढिबा केमिति ह्यूमन इंसुलिन को हम प्रोडक्शन करिबा ठीक है आप इति प्रोसेस रे प्रोडक्शन करिबा केमिति देखो प्रथम कोन करा हम जेमिति आबी के प्रोसेस बुझै दिली ह्यूमन बॉडी रे इंसुलिन प्रोडक्शन करथवा जीन को हम आगे काढि के आइबा सेटा है फॉरेन जीन ता काढि के आइबा सेमति ई कोलाय रो वेक्टर को काढि के आइबा वेक्टर अर्थ तार जीन ता हो जे वेक्टर तार जीन को काढि के आइबा तापर एठे जे एटा धर इंसुलिन रो जीन ता को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस दे के ता को छोट छोट टुकड़ा कर देले एटा हो जे हमरो वेक्टर जीन को सेंटर रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस दे ताको भी काटि देले काटि देला पर इंसुलिन रो जीन से वेक्टर जीन को कोन करले मिसेले मिसेला पर जो नुआ रिकॉम्बिनेंट जीन ताले से वेक्टर जीन से इंसुलिन रो जीन को धरि के रखला एको ने पुनि से जो बैक्टीरिया रो बॉडी रे इंट्रोड्यूस कर देले बैक्टीरिया रो बॉडी रे इंट्रोड्यूस कर देबा द्वारा एटा कोन होता है सेल डिवाइड करबो ता सेल रे रेप्लिकेट करबो तार डीएनए आ से हमें जो डीएनए रो फॉरेन डीएनए रो जीन ताको फॉरेन जीन ताको इंट्रोड्यूस करथिना से तार प्रोटीन ता प्रोडक्शन करय को लागबो तंते ए बैक्टीरिया रो बॉडी रे इंसुलिन प्रोडक्शन हबा को लागबो हमें से बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम रे ग्रो करबा अधिक रो अधिक संख्या रे तार हम इंसुलिन कलेक्ट करके आनी के प्यूरीफाई करके आनी के मेडिसिन आकार रे हो बा हमर जो इंजेक्शन आकार रे हो पेशेंट मान को दिया जाय जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस रे केमिति वैक्सीन सब तयार करा जाउछ वैक्सीन सब आइदर एक्टिवेटेड और डेड एजेंट एक्टिवेटेड माने वीक हेथिबो किंबा डेड एजेंट को हम वैक्सीन रो और हेल्दी पर्सन रो बॉडी को इंट्रोड्यूस करले से जाके हमर इम्यून रिस्पोंस को बढ़ाई थाए हैला मेनी न्यू वैक्सीन ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ आरडीटी प्रोसेस ये आरडीटी प्रोसेस रे विभिन्न प्रकार नुआ वैक्सीन भी तयार करा होला रे वर्तमान The genes encoding actigenic protein can be isolated from pathogens and expressed in plants. देखो, कौन से गोटे रोग रोग प्रोड्यूस करुथिबा भाइरस मैं बैक्टीरिया आमे कौन रोग प्रोड्यूस करुछि माने कौन ता बॉडी रो कौन से गोटे प्रोटीन आम बॉडी जे तो बेले पसुछि आम बॉडी रे सेटा रोग सृष्टि करुछि बुझि पारछो तो तार से प्रोटीन प्रोडक्शन करुथिबा जीन ताको आमे लेके एडिटिव प्रोसेस रे कौन करिबा प्लांट माने को बॉडी रे रखा आम जो गोटे वैक्सीन वैक्सीन नहीं था पूरा पोलियो वैक्सीन देते पोलियो आटेनमेटेड डेड एजेंट डेड भाइरस टाइम बडी भितर को ना खाइले खावा द्वारा से कौन हम मरी था वीक था गोटे आंटीजेन आम बडी बाहर बडी भितर को जाए तेणुक से गला मैंने इम्यून रेस्पन्स कर आम बडी चिन्हिक रखा बडी आंटीबडी प्रडक्शन करके मारिकी रखा आम इम्यून पावर बढ़ीज पोलियो रोग प्रति ठीक अच्छे ठीक सेम गोटे रोग एजेंट आंटीजेनिक से जो प्रोटीन प्रोडक्शन करीन को आम कौन करवा
आरबीटी प्रोसेस टा कोनो गोटे प्लांट रे आमे तार से प्रोटीन टा को प्रोडक्शन करे हला परबा द्वारा कोन हो सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स और देयर टिश्यूज प्रोड्यूसिंग एंटीजन कैन बी ईटन फॉर वैक्सीनेशन दिस आर कॉल्ड एडिबल वैक्सीन से प्लांट रो प्रोडक्ट को सेटा दैट मे बी फ्रूट्स और लीव्स से गुडा को हमें नहीं खाइले हम बॉडी रे इम्यून रिस्पोंस करबो बुझबार तो संपूर्ण माने एंटीजन का बॉडी को लेने की एंटीजन गोटे पार्ट जीव पर कंचा पनीपरिया खाऊ गए आम बढ़ेगा खावा द्वारा से कौन हम आम बॉडी को सी एंटीजेनिक प्रोटीन टा गला आम बॉडी इम्यून रिस्पोंस देखिए डिस्ट्रॉय कर एंटीबॉडी परमिशन करके आम मेमोरी सेल चिन्हिक रख नेक्स्ट आस बढ़ा जीन थेरापी जीन थेरापी कौन जीन थेरापी प्रोसेस द्वारा आम कौन गोटे फल्टी नॉन फंक्शनल जीन को गोटे फंक्शनल जीन द्वारा रिप्लेस कर जीन थेरापी हूँ दुई प्रकार गोटे जर्म लाइन जीन थेरापी आउ गोटे सोमाटिक सेल जीन थेरापी जर्म लाइन जीन थेरापी कौन कर स्पर्म और ओभम रे फल्टी जीन को काढ़ फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस जो तार नेम हूँ जर्म लाइन जीन थेरापी सोमाटिक सेल जीन थेरापी कौन होता है सोमाटिक स्पर्म ओभम टेस्टिस ओवरी छाड़गले बाकी जतक सेल रहा सेतक जगार सोमाटिक सेल जीन थेरापी होता है एग्जांपल है कौन द फर्स्ट जीन थेरापी वाज गिवन इन 1992 अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी गोटे झील को थी जहाँ को फास्ट टाइप बै जीन थेरापी कर बॉडी रे जो एडिनोसिन डी एमिनेस होचे गोटे प्रकार एंजाइम आम एंजाइम तर काम हो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रंग कराए एंजाइम रो एब्सेंस रे डेफिशिएंसी रे आमको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बा एससीआईडी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन द जीन फॉर द एंजाइम एडिनोसिन डी एमिनेस एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम रो डिफेक्ट हेतु ए जो एससीआईडी डिजीज टा हेथाय हला इन सम चिल्ड्रन एडी डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किछ पिला मन करे एडी डेफिशिएंसी को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ताको क्योर करा जायथाय However, in others, it can be treated by enzyme replacement therapy. किंतु अन्य मानों पर enzyme replacement therapy द्वारा कराए थे, in which functional ADA is given through the patient by injection. Patient का blood को functional ADA by adenosine deaminase दिया जाए था injection आकार है. In the first step, lymphocytes are extracted from the blood. प्रथम step पे कौन होगा? Blood रो patient का blood रो lymphocyte extract करेंगे, बा बाहर करेंगे उन्हें हबो. तापरे ताको बाहर है, तारा body बाहर है, उटे culture medium में पोर. ग्रो करा लिम्फोसाइट नंबर को बढ़ा ए फंक्शनल एडिया इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रीइंजेक्टेड इन द पेशेंट्स बोन मैरो तापरे से जो लिम्फोसाइट गुडा को भीतर फंक्शनल एडिए को बा एडिनोसिन डी एमिनेस को ताको कोन करा जिवो ता भीतर माइक्रो इंजेक्शन आकार इंजेक्शन में दिया इंजेक्ट करा जिवो परा गला परे पुनिस लिम्फोसाइट को लेके से पेशेंट रो बोन मैरो रे छाडी दिया जिवो द पेशेंट रिक्वेस्ट पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सॉर्ट्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स तापरे से पेशेंट बॉडी रे से एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम का प्रोडक्शन हवा को लागिबो किंतु आइ चिन्सटा थरे करि देले जीवन सारा लाइफ टाइम पे रहि जीवनी हमको बार बार पीरियड के 4 वर्ष 5 वर्ष बाद 10 वर्ष रे थरे ए जिंसटा करिया को पड़ि थाय नेक्स्ट पढ़े आमी ट्रांसजेनिक एनिमल Animals which carry transgenes or foreign genes are called transgenic animals. The foreign genes are inserted in the genome of the animal by RDT. RDT process द्वारा genome को ले full तारा तारा gene को बुझेगा। से animal लो कौनो सी बटा animal लो gene रे आवोटे foreign gene को ने के introduction करेगा। खूब आ जाए। हमारो trans बस ये जो जीन टा प्रोडक्शन है ना नुआ जीन टा ता बढ़ रही है डाउन फायदा ला ट्रांसजेंस ला सर्टेन मेडिसिन्स ऑफ ह्यूमन यूज कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल बॉडी रो विभिन्न प्रकार ह्यूमन यूज रो मेडिसिन प्रोडक्शन करा जाय था द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कॉल्ड रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंजेस्ट मिल्क 2.4 ग्राम इन 1 लीटर द मिल्क कंटेंट Contained lactalbumin, which is more beneficial to human babies than natural cow milk. ना प्रथम ट्रांसजेनिक काउ कारण नेम होची रोजी से जो गाय टा कौन करू थिला गोटे लीटर
मिल्क रे 2.4 ग्राम रो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोडक्शन करबा प्रोटीन थिला जो 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 मिल्क टा होची जो मिल्क रे लैक्टर गुमिन से प्रेम से जो प्रोटीन नो ना से जो प्रोटीन टा नेचुरल काउ मिल्क टू जो रासायनिक काउ मिल्क टा अधिक माने बेनिफिशियल थिला ह्यूमन बेबी पे. ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी डिजाइंड टू स्टडी हाउ जीन वर्क एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सेंटर ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल मानकर बॉडी रे हमें गोटे ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस करैला परे से केनके ता बॉडी रे अफेक्ट करूची कोन करूची हम सब जानि थान. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग फॉर्मड फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन. ट्रांसजेनिक माइस मानको प्रोडक्शन करा जाय थे ताका बॉडी रे वैक्सीन को प्रथमे कोनसो गोटे नुवा वैक्सीन नुवा रोग रे वैक्सीन जते बेले बाहर रे सते बेले हमें ताको प्रथम ट्रांसजेनिक माइस मानक बॉडी रे इंट्रोड्यूस करे कि टेस्ट करे थांदे सेटा काम करूची कि नाही तापर जे कि ह्यूमन बीइंग बॉडी रे काम हमें टेस्ट कर थांदे. रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स विथ फ्रेशली ग्रोन पार्ट्स ऑफ बोन सेल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. समिति हमर कोनो छोटे डिफेक्टिव पार्ट को हमें बाहर करी कि गोटे नुवा फ्रेशली ग्रोन पार्ट रे भी हमें तैयारी करी पाइबो ट्रांसजेनिक एनिमल नो हेल्प रे. Clones of animals can be produced into including human being if ethics allow. जदि हमरो रूल नियम बा हम कल्चर हमको अलाउ करिवो हमें भी एनिमल मानकर क्लोन भी प्रोडक्शन करि परबो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल. ट्रांसजेनिक एनिमल मानकर एग्जांपल फर्स्ट आसला ट्रांसजेनिक माइस. इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1982 बाय द ट्रांसफर ऑफ ग्रोथ हार्मोन जीन इन फ्रॉम रैट टू माइस. रैट रू रैट रे ग्रोथ हार्मोन माइस वेनिक इंट्रोडक्शन करे कि प्रथमे ट्रांसजेनिक माइस को प्रोडक्शन करे दैथिला. तबरे से ट्रांसजेनिक सीड एम्ब्रियोस एट 8 टू 16 सेल स्टेज इन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. 8 टू 16 सेल स्टेज रे एम्ब्रियो को हमें दीटा पार्ट कर देबा. वन पार्ट इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आईएक्स. ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो हमर ब्लड क्लॉट करिवारे हेल्प करिथाय ताको इंट्रोड्यूस करे जायथाय गोटे पार्ट रे. बराबर द जीन्स आर सक्सेसफुली एक्सप्रेस्ड इन मामारी ग्लैंड ऑफ सीप. सीप रो मामारी ग्लैंड रे जीन टा सक्सेसफुली माने इंट्रोड्यूस हेथिला एक्सप्रेस हेथिला आ सेटा मिल्क रे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आईएक्स जीन प्रोडक्शन करता. से मिल्क टा पीबा द्वारा चारो घर बॉडी रे हीमोफिलिक फैक्टर नथिबो बा ब्लड क्लॉट कर नथिबो से मिल्क टा पीले ता बॉडी रे ब्लड क्लॉट करिवो. तापर आसला ट्रांसजेनिक गोट. The transgenic goats are successfully produced in USA expressing a protein similar to human plasminogen activator in their milk. The protein is used for the dissolving blood loss. तापरे आउट कथा जानछो हमर जब कोनो छोटे माड़ हो जाय था इंटरनली ब्लड क्लॉट करि जाय था भितरे हला इंटरनली ब्लड पर रक्त जमाट बांधि जबा द्वारा भितरे हमर ब्लड तो ठीक ठाक रे फ्लो करि न थाय तन करि जो ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जीन को हमें लेके गोट रे इंट्रोड्यूस करैले गोट रो मिल्क रे जो प्रोडक्शन हे थाय जे ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आ एमएल को पेले जहा बॉडी रे धर ओछि कोन ब्लड क्लॉट सेटा धीरे धीरे मेल्ट कर जाय थाय. तबरे आसले ट्रांसजेनिक काउ. ओसाइट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम ओवरीज ऑफ काउ एंड वेयर फर्टिलाइज्ड इन विट्रो. ओ सेंते ओ साइट उडा को हमर फर्टिलाइज्ड काउ मानन को बॉडी रो पणा जाय थाय ओवा पणा जाय कि ताको कोन करे जाय थाय फर्टिलाइज का माने इन विट्रो बा टेस्ट ट्यूब रे फर्टिलाइज करे जाय थाय. द प्रोनिक्लाइज इज माइक्रो इंजेक्टेड विथ अ जीन एनकोडिंग प्रोटीन कॉल्ड लैक्टोफेरिन. से जो तारो माइक्रो इंजेक्टेड विथ अ जीन कोटे माइक लैक्टोफेरिन जीन द्वारा से जो तारो प्रोनिक्लाइज बा से जो ओभम रो प्रोनिक्लाइज रे कोटे लैक्टोफेरिन जीन को इंट्रोड्यूस करा जाय थाय. इन एन एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ 103 ट्रांसफर जायगोट्स 19 कार्स आर बोर्न. यार ओटे एक्सपेरिमेंट करा जायतला 103 टा एम्ब्रियो रे जो लैक्टोफेरिन रो जीन को इंट्रोड्यूस कराई थिला 103 टा रो 19 टा बाछरी छुआ जन्म होई थिले आ से 19 टा भीतर 2 टा मात्र थिले ट्रांसजेनिक काउ. हला नेक्स्ट हम पढ़िबा बायोपैक्टेट एंड बायोपायरेसी. हला बायोपैटेंट और बायोपायरेसी दुटा रिलेटेड जिनस. पैटेंट इज अ राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन. पैटेंट होची गोटे अधिकार जो अधिकार द्वारा अन्य कोनोसो गोटे लोक को ता गोटे लोक द्वारा कोनोसो गोटे जिनस उद्भावन करिचि तार उद्भावन को आउ कोनोसो लोक ता जिनस को लेके तार बिना परमिशन रे कमर्शियल यूज न करिवारो अटकै थाय. हला
The patent is granted for biological entities and products derived from them. Patent कहाँ को दिया था? Biological जिन्स और बस इससे biological जिन्स और products को दिया था product में. अगर जैसे example neem and its products, हल्दी and its products are granted patent to India. India को neem और neem का product, हल्दी और हल्दी का product का patent right दिया है. जैसे India रा बिना permission में neem हल्दी रा कौन सी product बा neem हल्दी को लेके बाहर है commercial use करा जाए बारी बो नहीं. तेरा permission ने करी बारी बे. किंतु बिना permission ने करी commercial use करी बारी बे नहीं. बा किना बिका करी बारी बे नहीं. है ना opposition to biopatent. Biopatent रो opposition कौन? There are strong protests from farmers and local people against grant of patent rights to companies. हैला देखो because these communities which originally identified the use of products as foods, medicines and other purposes. देखो हमारे जो गांव गहली रे बा जंगल पाखरे जो लोक रहिले से माने जंगल जात जिंस रो proper use टच माने मूल रो जानि कावली हिसाब रे जानि थांति जे हळदी को केमिति रे कि कोन करले हमर घा फुल सुखिबो किछ न एमिति अन्य कोनसे जिंस रो मेडिसिन आ वैल्यू से माने जानि थांति से माने कावली हिसाब रे यूज कर थांति किंतु मॉडर्न कंपनी हमर वेस्टर्न कंपनी सब आसी कोन करछन से माने देखछन कि लोक ए जिंस टा को ए लोक माने एमिति भाबे व्यवहार करछन से माने अल्प पैसा रे से जिंस को ताको किनि लेले लेकिन से माने कोन करले आ ओटे प्रोडक्ट कार्ड तैयारी कर देले किछ टेक्नोलॉजी यूज करी कि पैसा यूज करी कि अलग जिन बाहर देखे तार पैटेंट राइट से जिनसा को आम बाहर कर यही सब जिनस को कॉमन पीपल लोकल पीपल बहुत प्रोटेस्ट कर प्रकृत से जिनस दाबीकारक हकदार. These people are the true owners of the biotech resources. The patent has two limitations. It's a patent right diya jata hai aur data limitation tha one is limitation of time and one is limitation of territory. But a particular samay porjonto gojono ku ba gote jaga ku diya jai tha amaro patent right aur gote particular area ku diya jai tha. Patents are valid only for a limited time that is 7 to 14 years according to Indian Patent Right Act. बायोपायरेसी बायो पैटेंट जानलो कौन जे कौनसी गोटे जिनिसर जिनिस को आम तार उद्भावक ठू बिना परमिशन में लेके आम चोरा व्यवहार कमर्शियल यूज करदी करा बायोपायरेसी बुझीपरच चोरी. द मीनिंग ऑफ पायरेसी इज रॉबिंग. इट इज द थेफ्ट और रोबरी ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज फ्रॉम ए कंट्री विदाउट पैटेंट राइट. कौन सी गोटे कंट्री रू कौन गोटे लोकठू कौन गोटे एरिया ठू बिना पैटेंट राइट रु राइट द्वारा तार जिन लेकिन तार कमर्शियल यूज करवाकला बायोपायरेसी. A wide range of bioresources are facing biopiracy such as microorganisms, genetically modified plants, animals, biological products and their production procedure. The developing nations are देखो जो मैंने विकासशील देश डेवलपिंग नेशन ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट करके जाऊँगी लेकिन तो संपूर्ण डेवलप्ड नुहति से कंट्री में कौन है बायोटिक रिसोर्स बहुत अधिक किंतु टेक्नोलॉजी आउ टंका पैसा इकोनोमी रे सेमाने पोर किंतु जो माने डेवलप्ड कंट्री सेमानक पाखरे बायोटिक रिसोर्स कम किंतु सेमानक पाखरे टेक्नोलॉजी आउ इकोनोमी बहुत अधिका तेणु करके सेमाने डेवलप्ड कंट्री माने कोन करे डेवलपिंग नेशन को अल्प टंकारे तांकर टेक्नोलॉजी को सेमाने किणी देले किणी लेके सेमाने तांकर नारे तांकर पेटेंट राइट करि देले बुझि पारछो. सो बायोपायरेसी इज अ कॉमन फेनोमेनन फ्रॉम पोर टू रिच कंट्री. सो सॉरी ऑपोजिशन टू बायोपायरेसी सेमती कौन जो कॉमन पीपल लोकल पीपल सब जिन मान प्रॉपर यूज जानी से कौन करपोज करस रेस कर more and more people from different groups and organizations are developing awareness against western company odibaru odibaru ko western company manankar biruddhare tankar voice raise karuchanti. There are strong protest from farmers and local people against the grant of patent right to companies and the local people common people some farmers samane sabu patent right ra grant jo western company manaku mili jauchi tara bahut virodh karuchanti. Ethi sarila amara biotechnology yoga.